आपदा के कारण गंगोत्री धाम में घाटों की स्थिति और बदतर हो गई। लेकिन अब गंगोत्री धाम में आपदा से क्षतिग्रस्त गंगा स्नान घाटों की स्थिति जल्द सुधरने वाली है और गंगोत्री धाम जल्द ही बदला नजर आएगा। दरअसल भारत सरकार के कार्यक्रम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री धाम में घाटों का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में घाटों की स्थिति पिछले कई समय से दयनीय है और धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को भी घाटों पर स्नान करने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे श्रद्धालुओं में अक्सर नाराजगी भी देखी जाती है। लेकिन अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने घाटों के लिए पैसा जारी कर दिया है। गंगोत्री धाम के पुरोहितों का कहना है कि धाम में घाटों की स्थिति सुधारने से श्रद्धालुओं को बहुत ही सहूलियत मिलेगी, साथ ही गंगोत्री धाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गंगा नदी के दोनों तरफ घाट बनने चाहिए, जिससे श्रद्धालु दोनों तरफ स्नान कर सके। वर्तमान में तो कोई काम नहीं किया गया, 2-3 साल पहले काम किया गया था, सिंचाई विभाग द्वारा, जो कि बह गया था। आज तो ये स्थिति है कि अभी घाट की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वर्ष पिछले बार उससे पहले भी साल में एक दो लोग को बह जाते हैं। अब नमामि गंगे वालों ने कह रहे हैं हम लोग घाट बनाते हैं, हमारा तो ये निवेदन है कि बहुत घाट बनना चाहिए, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, पर घाट बनने के साथ में दोनों तरफ घाट बनना नित्यंत आवश्यक है। वहीं घाटों के निर्माण को लेकर डीएम का कहना है कि भारत सरकार की पहल के चलते गंगोत्री में अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत घाटों का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ये कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। घाटों के बनने से धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने से लेकर बैठने और विचरण करने में सहूलियत मिलेगी। देखिए, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम में अब इसका कार्यक्रम शुरू हो रहा है। गंगोत्री में एक नई घाट का निर्माण और एक क्रिमिटोरियम घाट का भी निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है, तो इससे वहाँ पे कई लोगों को सहूलियत मिलेगी। जो तीर्थयात्री वहाँ पहुँच रहे हैं उनको बैठने के लिए गंगा किनारे जो सुविधाएं और अच्छी प्रोवाइड करने का ही प्रयास है, तो जिसमें नमामि गंगे के अंतर्गत ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो अगले एक साल डेढ़ साल के अंदर मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्शन, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बता दें कि साल 2012-13 में जिला में आई आपदा के दौरान गंगोत्री धाम में गंगा स्नान घाट और पूजा घाट बह गए थे। उसके बाद से गंगोत्री मंदिर समिति लगातार घाटों के निर्माण की मांग कर रही थी। इको सेंसिटिव जोन की बाध्यताओं के कारण गंगोत्री धाम में स्नान और पूजा घाटों का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल इको सेंसिटिव जोन का मास्टर प्लान केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत होने के बाद गंगोत्री से उत्तरकाशी के 100 किलोमीटर के दायरे में विकास और निर्माण कार्यों के लिए कुछ रियायतें दी गई है। रियायतें मिलने के बाद अब गंगोत्री धाम के स्नान और पूजा घाटों का निर्माण नमामि गंगे योजना के तहत होगा। माना जा रहा है कि सरकार एक साल के अंदर घाटों का कार्य पूरा करने की कोशिश करेगी। उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।